Hello and namaste, and welcome to another session of Vistar. Today we have Mohini Attam exponent Priyadarshini ji, and we have two schools from Pune, Sundarbai Marathi School and Camp Education High School. I welcome you all. I request all the students to please keep yourself on mute and on your front cameras. Welcome, ma'am. Thank you. Namaskar. Aap sab theek hai? Sangla hai? To main mera hindi bhi bahut acha nahi hai, ha? To main lekin koshish karungi ki aisa aisa se main baat karu ki aap log samjhe. Me Priyadarshini Tai aur mujhe help karenge यहाँ पे मेरे स्टूडेंट श्रीजय नीताई. ठीक है? यस मैम. आज हम लोग बात करेंगे मोहिनी आटम. आप लोग डांस करते हैं? कोई डांस सब करते हैं? हाँ. हो ओके. तो आज जो हम मोहिनी आटम करेंगे, डांस तो बहुत सारे होते हैं ना, तो मोहिनी आटम आटो क्लासिकल, इंडिया के आटो क्लासिकल डांस स्टाइल के एक डांस स्टाइल है मोहिनी आटम. मोहिनी आटम है केरला से. पहले क्या होता था कि केरला में मोहिनी आटम करते थे सिर्फ लड़की लोग, और एक डांस है केरला का कथकली. वो बहुत फेस पेंट करते हैं और बहुत बड़ा हेड गियर जैसा, वो है कथकली. वो लड़के लोग करते थे, लेकिन आज सभी करते हैं. पहले क्लासिकल के मतलब क्या है? क्लासिकल या हम लोग हिंदी में बोलते हैं मार्गीय या मार्ग, और मार्ग के मतलब क्या है कि एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जो हम लोग फॉलो करके चलता है. कुछ शास्त्रीय टेक्स्ट हम लोग फॉलो करते हैं, एक गुरु से सीखते हैं बहुत साल, गुरु से सीख के फिर हम लोग वो कर पाते हैं. ऐसे और भी डांस स्टाइल्स है जो ऐसे ही सीख के करना सब करना पड़ता है. जैसे लावणी है. लावणी तो आपको सीखना ही पड़ता है. लावणी के गुरु भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है क्लासिकल के साथ? वो जो ट्रेडिशनल ये सब डांसेस होते हैं, जैसे छऊ है, लावणी है, जो बहुत गुरु के साथ सीखना पड़ता है. लेकिन डिफरेंस है क्लासिकल से क्या है कि हम लोग क्लासिकल के लोग बहुत स्टाइलाइज्ड की हम मुद्राएं लेके बातें करते हैं. मुद्रा के बिना हम लोग डांस नहीं करते हैं, लेकिन ये सब डांस में मुद्रा जरूरत नहीं पड़ता है. ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है जो क्लासिकल को क्लासिकल बनाते हैं. अभी मोहिनी आटम है केरला के. हमारा डांस का इतिहास, क्लासिकल डांस के इतिहास तो 2000-3000 से भी ज्यादा टाइम से है. ऐसे नहीं है कि वो जो होता है अब भी वो ही होता है, चेंज होता है जैसे सब कुछ चेंज हुआ. ये परंपरा है. परंपरा के मतलब प्रवाहमान, चलते हैं, और चलते चलते जैसे हमारा सोशल कल्चरल सब कुछ चेंज होता है, हमारा आर्ट भी वैसे चेंज करते करते रहते. लेकिन वो जो एक मार्ग है, एक परंपरा है, वो फॉलो ही करके चलता है. ऐसे भी है
कि हम क्या एकदम पूरा पूरा जो हमारा शास्त्र बुक्स है फॉलो कर रहा है, नहीं वो भी नहीं है, वो जो हमारा है गाइडलाइंस है, क्योंकि वो शास्त्र में जैसे बोला गया था अभी इस टाइम वो हमारा नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र है, लेकिन शास्त्र से भी हम लोग जो गाइडलाइन करके हम वैसे चलते हैं। समझून गए? तो अभी मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम क्लासिकल केरला के है, बहुत सालों से अगेन 2000 से ज्यादा टाइम से केरला में डांस का प्रेजेंस है। अभी जो आज हम मोहिनीअट्टम देखते हैं, सभी डांस स्टाइल सब क्लासिकल, वो हम कहते हैं कि नए नए हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम, नेशनलिस्टिक टाइम के नए नए से पुराना सब हिस्ट्री ये सब समझ के फिर सब रिकंस्ट्रक्टेड हुआ है। तो ये सब जो आज मोहिनीअट्टम के हमारा डांस जो मिलता है ज्यादातर 20th early 20th century हमारा जो हिस्ट्री महाराजा स्वाति तिरुनाल के टाइम से ही जो रिकंस्ट्रक्शन हम लोग का मिला है। और कभी कभी ये भी कहता है क्यों हमारा हमको वो पुराना शास्त्र क्यों पढ़ना चाहते मांगते हैं, कैसे क्या है वो शास्त्र है डांस के हमारा, नहीं तो हमारा हिस्ट्री में मालूम नहीं पड़ता है डांस का, इसीलिए वो पढ़ना चाहते हैं कि वो हिस्ट्रोसिटी है, उसके बाद हम हमारे तरह से हम एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम जैसे कहा केरला में रहते थे स्वाति तिरुनाल के टाइम से, वो थोड़ा फिर ब्रिटिश पीरियड के टाइम कम हो गया, लेकिन जो देवदासी थे उस टाइम देवदासी बोलते थे, और तेवर तेवर और देवर के मतलब गॉड, तेवर तिच्ची, तिच्ची के मतलब पैर, आटम जो देवता के पैर में समर्पित होके डांस करते थे, तेवर तिच्ची आटम दासी आटम देवदासी आटम, लेकिन वो राज्यसभा में भी करते थे कोर्ट में कोर्ट, लेकिन वो किंग के एक परेड टेंपल भी उसके साथ एसोसिएटेड होते थे और वो डांसर्स टेंपल में भी करते थे। तो मोहिनीअट्टम वहां से आए, फिर अब नेशनलिस्टिक मूवमेंट के बाद 1930 से महाकवि केरला के महाकवि नारायण वल्लथोल नारायण मेनन और उसके साथ मुकुंद राजा वहां पे केरला कलामंडलम एस्टैब्लिश किया, और फिर मोहिनीअट्टम के अब जो हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से सिखाना स्ट्रक्चरिंग मोहिनीअट्टम। अभी जैसे प्रेजेंट डे मोहिनीअट्टम अगर हम कहते हैं देखते हैं वहां से हुआ। तो मोहिनीअट्टम देखो केरला के है, क्या कहते हैं हमारा जो डांस है ना, हमारा जो पड़ोस आसपास के नेचर है कल्चरल है वहीं से वो इमर्ज करते हैं। तो वो स्टाइल जो है ना, और केरला के जो बहुत सारे डांस स्टाइल्स यहाँ से वो सब डांस स्टाइल मिला के वो उसका इमर्जेंस होता है, वो है कि बहुत सॉफ्ट हिलता दुलता मूवमेंट है। वो वहां का जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स है कई कुट्टिकली तिरुभद्रकली सब बहुत
सॉफ्ट हिलता दुलता मूवमेंट सब होते हैं, और वो क्या कहते हैं, केरला के जैसे हम देखते हैं नारियल के पेड़ बड़े बड़े, वो नारियल के पेड़ जैसे हवा में चलते हैं। और केरला में बहुत राइस पैडी फील्ड्स धान के खेत होते हैं, और धान के खेत जब लहराते हैं ना हवा में ऐसे ऐसे, सो ऐसे ही ऐसे मोहिनीअट्टम भी ऐसे वो लहराते हुए मूवमेंट्स आते हैं। और सी साइड है केरला, वहां पे बहुत बोट्स जाते हैं, और वो अप एंड डाउन मूवमेंट्स भी वो केरला डांस स्टाइल्स में है कि सही ती ती सही तो ती 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 तो अप एंड डाउन होते हैं सही ती ती सही तुम। और जैसे मैंने कहा कि पैडी फील्ड्स जैसे होते हैं, तो अगर आप खेतों में चलेंगे आपका कोई पैर के आवाज नहीं आएंगे, तो मोहिनीअट्टम में भी कोई पैर के आवाज नहीं होता है, हम इतना सॉफ्टली कि ऐसे हम पैडी फील्ड्स में जैसे चलते हैं ऐसे हमारा चाल होता है आवाज के बिना सॉफ्ट, और इतना पैर भी उठाना नहीं पड़ता है, कम कम बोट पैडी नारियल के पैर, ये है जो बेसिक मूवमेंट्स है। अभी सब डांस क्लासिकल डांस की तरह दोनों एलिमेंट होते हैं। हाँ, एक तो है जो हम कहते हैं नृत्य, और नृत्य के मतलब क्या है, जो फिजिकल डांस होते हैं। हाँ, हम लोग कोई एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, कुछ स्टोरी नहीं बोलते हैं, हाँ तो जो डांस मूवमेंट्स होते हैं वो होता है नृत्य, प्योर डांस। और एक एलिमेंट है जो हम स्टोरी बोलते हैं, स्टोरीज एक्सप्लेन करते हैं, वो है अभिनय। अभी मोहिनीअट्टम के जो नृत्य बेसिक पोस्चर सब कुछ है, मैं एक काम करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ, उसके पहले मैं एक शेयर स्क्रीन खोल दे आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि कैसे कॉस्ट्यूम होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो व्हाइट साड़ी है वो भी केरला के साड़ी मैं पहनी हूं, देखिए केरला के गोल्ड बॉर्डर, वैसे ही कॉस्ट्यूम भी ऐसे ही होते हैं केरला स्टाइल में, गोल्ड बॉर्डर होता है। और ज्यादातर अभी ये भी नया है कि साइड में बन, वो हम लोग पीछे भी करते हैं और कभी कभी चोटी भी बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जब मोहिनीअट्टम बोलते हैं यही जो पिक्चर यही सामने आते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूं, पहले क्या है आपको, अगर मैं बातें ही करते जाऊंगी ना तो आपको तो आइडिया नहीं आएगा, तो मैं शुरू करती हूँ, सृजनी ताई एक छोटा सा आपको डांस दिखा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे और ट्राई भी करेंगे, ठीक है। दे हम चलिए दो दे।
ये है नृत्य आइटम, इसके नाम है मुखचालम। हाँ, श्रीजैनी ताई दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग बेसिक पोस्चर्स ये सब बातें करेंगे। हाँ। सुनाई दे रहा ठीक से क्लियरली? नो मैम, कोई वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा है? देखो एक मिनट, मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ। वॉल्यूम बढ़िया दिए थी पूरा। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ। The music is so clear. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
अच्छा लगा। तो आप अभी देख लिया ना कि जो जो मैंने कहा मूवमेंट्स में, तो सुजैनी पाशेश चला है देखिए ऑन कर ली लुक इट। हाँ ओके ठीक है। तो ऐसे सीधा बॉडी, बैक टाइट नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसे लूज भी नहीं, अच्छा से स्ट्रेट रिलैक्स्ड बॉडी, सीधा समा या इक्वल पोस्चर, समा मंडला, मंडला के मतलब स्थान, अगर सोचो तो। उसके बाद और तीन है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्थानकज है जो ये डांस में होता है, समा मंडला, उसके बाद दिखाई दे रहे हैं पैर अच्छा से। हाँ। अच्छा, ऐसे घुमा के अर्धमंडला। हाँ, उसके बाद फिर हम ऐसे सीधा कर लेते हैं पैर और बाहर की तरफ स्क्वायर। ये क्या है, हमारा शोल्डर से पैर एकदम, अगर हम थोड़ा झुकेंगे तो स्क्वायर जैसा हो जाएगा बॉडी। तो चतुरा मंडला और फिर और एक जो बहुत है जो है अति मंडला, और जो और पांच ऐसे भी है जो वर्टिकल सीधा पांच लेवल्स, ऐसे समा मंडला, थोड़ा सा बैठ के जो क्वार्टर काल मंडला, फिर आधा अरा मंडला, अरा मंडला और ये काल मंडला अरा मंडला ये सब तमिल से है, और जो मैं पहले बताए वो संस्कृत नेम्स है। तो अरा मंडला अर्धमंडला दोनों ही एक ही है, और उसके बाद है थ्री क्वार्टर्स मुकाल मंडला और पूरा बैठना मुरु मंडला। आप ट्राई करोगे ये मंडला, ट्राई करोगे आप? आपको जगह है क्या करने का? नहीं है? अच्छा आप अच्छा ठीक है। और मैं और एक बार करती हूँ, आप ये घर में ट्राई करना, घर में जाके ट्राई करना, क्योंकि ये क्लासिकल डांस के लिए तो है ही है, लेकिन ये क्या करते हैं ना, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है बॉडी का। हाँ, क्योंकि ये देखे जब हम लोग नीचे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे सीधा हम लोग नीचे जाते हैं, ये पोस्चर और स्पाइन के लिए बहुत अच्छे है अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ, और जो यहाँ का हम लोग कोर, आप बहुत सारे डांस में, अब कंटेम्पररी डांस, वेस्टर्न डांस, उसमें भी आप सुनोगी कि कोर पकड़ के रखता है, जो हम कहते हैं कि हमारा मूलधार और स्वादिष्ठान और मणिपुर, नीचे का चक्रज बोलते हैं,
वहां पे एकदम हम लोग पकड़ लेते हैं। तो यहां से अगर हम नीचे जाते हैं तो यहां का जो स्ट्रेंथ, बैक स्ट्रेंथ, आइस के स्ट्रेंथ और स्पाइनल स्ट्रेंथ, तीनों का काम आते हैं। तो और एक बार मैं करूंगी कि आप घर में ट्राई कीजिए, ठीक है? और ये ब्रेथ के साथ करने से और भी अच्छा है। ब्रीद इन करके ब्रीद आउट, ई त ती ती एंड ब्रीद इन ती त तो तो एंड आउट ई त ती ती एंड इन ई त तो तो। फिर जो डांस के स्टेप्स है, अच्छा उसके पहले ये तो हम लोग नीचे किया। आप अगर अच्छा से सोचोगे तो कि हमारा ये ऊपर का जो है मोहिनीअट्टम में, वो भी ये ऊपर के अंग बहुत यूज होते हैं। ऊपर के अंग में क्या होता है, तुई बोशे अस्ति भंगटा जा, ठीक है? तो एक तो साइड टू साइड, इसको कहते हैं अति भंग, एंड तई तोम तोम तई ती ती तई ई त तोम तोम, साइड टू साइड इसको बोलते हैं अति भंग। अति के मतलब बहुत, भंग के मतलब बेंडिंग। और जो दूसरा है बॉडी का, उसका है, उसको कहते हैं आंदोलिका। जो मैं कहा ना हिलता दुलता जो है, आंदोलन होता है बॉडी में पूरा, आंदोलिका। एक तो है एट वाला त ती ती है तई ई त तुम तो एंड तई ई त ती ती तई ई त, वो एट की तरह होता है। और एक जो होता है ये पेंडुलम के तरह, हाँ पेंडुलम समझोगे ना, वो जो फिजिक्स में अगर आप जाओगे ना क्लास में वो रहेगा कि ऐसे एक मारोगे तो वहां से वो ईएमसी वैसे जो होता है, तो पेंडुलम के तरह ती ई त ती 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 ई त तुम तो ती त ती 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 ई त तुम तुम। फिर जैसे हमने कहा कि ये सब तो बॉडी एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कहा मार्ग होता है एक ट्रेनिंग, एक सीखने का सब स्टेजेस होते हैं एक्सरसाइजेस। उसके बाद अगर मैं कहूं कि ये लाइक डांस के डांस यूनिट्स, पैर का जो होता है, हाथ का होता है, सब एक साथ मिला के, वो आप अल्फाबेट की तरह देखो, ठीक है? पहले जो ऐसा बॉडी हम लोग किया वो अगर एकदम मॉन्टेसरी के, अगर ए से जो ए ब का ऐसा, ये है जो हमारा बॉडी के एक्सरसाइजेस, और उसके उनको बुलाते हैं चोड़क पूज। और फिर डांस स्टेप्स आते हैं जिसको नाम बोलते हैं अड़वुज, जो आपने देखा जब श्री जैनी ताई ने डांस किया था, तो उसका भी ग्रुप होता है। हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, तई ई
देखो नीचे ई ती ई नीचे ऊपर ई बॉडी हिलता है तो फिर ऊपर नीचे वो किस में हुआ अरमंडी में हुआ और या नहीं तो अर्धमंडला में हुआ सममंडला में एक करते हैं और हाथ हम लोग यहां पे रखते हैं शुरू में स्टार्टिंग में यहीं से हाथ शुरू होता है तई ई हाँ तई ई मैं पैर दिखाती हूं त्रिजयनी ताई पूरा ई ती ठीक है और ये भी हाथ के साथ ती तई ई ती ई ती और तई इ तई इ तुम तुम ये था एक सममंडल में एक अर्धमंडल में अब एक हम लोग चतुरमंडल में करेंगे हाँ पूरा ये स्क्वायर जैसा स्क्वायर में देख पूरा बॉडी का स्क्वायर आता है ई तत् तई धित तई और अगर आप देखेंगे कि हाथ हम लोग खोलते नहीं है ये हाथ ऐसे ही सामने स्क्वायर ही रहता है पूरा हाथ के नाम तो यहां से हम लोग जब जाते हैं ये नहीं किया एल्बो पीछे और स्क्वायर ये इस साइड में भी स्क्वायर चतुरमंडला में आप देखा अतिमंडला में एक फिर और भी दिखाएंगे अति मंडला में जो मैं कहा कि और स्विंगिंग पेंडुलम शुरू करेंगे यहां से जाएंगे तैया ती 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 ता तुम तुम श्रीजयनी ताई हाथ के साथ करो प्लीज वन टू थ्री स्टार्ट ती यहां पे पहुंचा फिर आ गया ती 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 देख बड़ा लंबा अतिमंडला में जा रहे हैं तुम फिर इसके बाद छोटा सा दिद दिद तई जैसे सब तिहाई जब होते हैं ना तिहाई के पहले भी है ऐसे दे और क्या है सीधा नहीं होता है पैर यहां से इतना तक और तित तित तई तित दित तई सृजनिता आप हाथ से कीजिए प्लीज ताई दित दित ताई और तिहाई ताई सलाम हु दिन ना तोम सलाम हु दिन ना तोम सलाम हु दिन ना तोम धलां दिन ना तोम धलां दिन ना तोम धलां दिन ना तोम इसके बाद जो और भी जो डिफरेंस है
दूसरा डांस से अलग सा है। आप लोग भरतनाट्यम देखें, देखो ये देखा था भरतनाट्यम, ये मोहिनीअट्टम में करने से कैसा होता है, ये सीधा ऐसे नहीं जाते हैं, ये पूरा घुमा के सही और सामने झुकते हैं। भरतनाट्यम स्ट्रेट होता है, मोहिनीअट्टम में सामने झुकते हैं। जगम तनम तरि नकम तकम तरि जगम तनम तरि नकम तकम तरि। और एक मंडला स्टेप था, बहुत टिपिकल जो सब स्टेप्स है मैं वही दिखाती हूं। तरी धी नु धर्णम धरी सामने आज है, थोड़ा सा अगर अच्छा से दिखाई देंगे। वन टू थ्री स्टार्ट। धा नु धर्णम धरी धी का क नम ता दी धा नू ध नम ता दी ता क नम ता री। एक लास्ट स्टेप हम लोग दिखाएंगे जो वेरी जो बहुत टिपिकल वाला स्टेप्स है, तो एक दो दिखाएंगे। एक किट 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 और कुछ स्टेप्स जो आए हैं उसका जो फोक ट्रेडिशंस, फोक ट्रेडिशंस नहीं कहेंगे, ट्रेडिशनल डांसेस जो आसपास के हैं, जैसे कि अगर कुछ लावनी से कुछ आए हैं तो ये कैकुट्टिकली तिरुवदरकली यहां से ये टिपिकल कुछ मूवमेंट्स मोहिनीअट्टम में आए हैं। तो एक है तई ती ती तई तुम तई ती ती तई और तो एंड तई ई ती ती तई इत तुम तई इत ती ती तई इत तो एंड तई इत ती ती एंड तई इत तुम एंड तई ई ती ती तई इत तुम। तो आपको आइडिया आ गए हैं कि डांस मूवमेंट्स कैसे है। अगर कभी सीखना चाहते हो तो आप लोग आप कह सकोगे कि मोहिनीअट्टम सीखूंगी। तो आप जैसे कहा कि हिलता दुलता सब है, आपको मालूम पड़ा? हाँ ठीक है। अभी अभिनया अभिनया क्या है जो हम लोग स्टोरीज बताते हैं। स्टोरीज मैंने क्या कहा कि मुद्राओं से करते हैं, सिर्फ मुद्रा से नहीं, मुद्रा एक है तो आप तो मुद्रा तो हमारे साथ कर ही सकोगे। हाँ हस्त ये पताका हस्ता है मोहिनीअट्टम में, और ये मैं करती हूं कि इसके बाद मैं दिखाऊंगी एक हाँ लता
आप ट्राई करोगे? प्लीज ट्राई कीजिए. लता यहां से पेड़, लंबा पेड़. ये लगाया, फिर ये कटकम. मैम सुनिए ना, मैम हमारा स्कूल 5 बजे छूटने वाला है, तो मीटिंग कभी खत्म होगा? कितने टाइम है अभी? 5 बजे तक तो था. ओके मैम. 5 बजे तक तो था, ठीक है. फ्लावर, फूल, बर्ड्स, हाँ बर्ड, कृष्णा के बांसी. अभिनय में क्या होता है? हमारा भाव से और आंख बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आंख से हम लोग बहुत आंख के एक्सरसाइजेस करते हैं. तो खोलना, बंद करना, ये डांस में भी यूज होता है. सर्कल भी यूज होता है. और डांस से फूल खोलना, और हमारा भाव जब आप तक पहुंचते हैं और आपको वो महसूस होता है, सबको महसूस होता है, वो जो हो जाता है रसा. दो है भाव और रसा. रसा 9 है श्रृंगार. करुणा, हास्य, रौद्र, वीर, बिभत्स्य, भय, अद्भुत, जुवादिलम, शांत. मैं अभी छोटा सा एक, हाँ टाइम तो है, ठीक है, एक भाव गीत से दिखाऊंगी. म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या? Thank you.
ये जो था स्टोरी क्या राधा रूप है और कृष्णा रूप है नहीं, कृष्णा कभी रूप है नहीं, तो यहां से राधा आपके देखा कृष्णा दूसरे लड़की के साथ, तो इसलिए तो उठ के चले आए और कहा नहीं बातें नहीं करेंगे। कृष्णा देखा मनाने गए, मनाने तो ठीक है, मैं भी दूसरा और इसके दोनों के झगड़े में सारे गोकुल टूट गए, जो मैंने दिखाया ना पेड़ के साथ जो लता एकदम प्यास से रहते थे वो टूट के उतर के चले, जो बस कोयल दूसरे के साथ रहते थे ये एक इधर उठ गए भी हो सकता है जो कहो आपके साथ रहते वो चले गए, वो चले कैसे मुद्राओं से हम स्टोरी बताते हैं। अभी तो आपका ठीक है 10 मिनट्स बाकी है, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है कुछ भी चाहिए तो कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन है और कुछ जानने का। हाँ नो नो किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आप तुम फिर मैं कंटिन्यू करती हूं 5 मिनट और ये बता के कि आपको तो अभी बहुत सारे ऐसे लेक्चर हो रहा है क्लासिकल डांस के बारे में और जैसे मैंने कहा क्लासिकल डांसेस बहुत सालों से है और वैसे भी आए हैं थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते बहुत सारे स्टाइल्स के हो गया। क्लासिकल डांस से क्या होता है एक डिसिप्लिन आते हैं, बॉडी के पोस्चर कंट्रोल बहुत अच्छे आते हैं, एक योगा की तरह है। हम लोग जब आइस के प्रैक्टिस करते हैं आइस का ऊपर नीचे ये जो आइस के मसल मैं क्यों कह रही हूं कि आप लोग को तो बहुत दो साल से इतना आपके प्रॉब्लम्स हुए, अगर आप लोग ये आइस आपके एक्सरसाइज करोगे ना आपके आइस के बहुत फायदे हैं कि आप अगर ट्राई करोगे आप देख लो ये ट्राई कर ब्रेथ के तरह की ब्रीथ इन अगर ये बहुत फायदा आएगा जैसे मैं बैठने का सब किया बैकबोन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत बॉडी माइंड
और अच्छा म्यूजिक सुनने से जो अच्छा लगता है, तो बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ट्रेनिंग होता है। और ये नहीं कहती हूँ कि और सब डांस मत करो, सब करना, हम लोग कहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और जो कंटेम्पररी भी होता है उससे भी फायदा है। जो कभी कभी क्लासिकल के ऊपर बेस करके जो डांस दिखाते हैं वो तो प्योर क्लासिकल नहीं होते, बस वो क्लासिकल के बेस के ऊपर। लेकिन जो ट्रेनिंग डिसिप्लिन क्लासिकल से आते हैं, जो भी डांस सीखो, जो भी सीखो, टाइम लेके एक मार्ग से सीखो, तो उससे बहुत ही फायदे। आपको मैं एक सुनाई दे रहा है? सुना म्यूजिक आ रहा है ना? कृष्णा का बांसुरी और छेड़छाड़ करते हो हमारे साथ। मैम, हेलो मैम। यस मैम, हम लेफ्ट हो सकते हैं क्या? हमारे स्कूल छूट गई है। हो सकते है कि मैम आप प्लीज बताएंगे? प्लीज वेट 5 मिनट्स मोर। हाँ यस मैम। मैम अभी एंड ही करने वाली है, आप खाली 5 मिनट प्लीज रुकिए। मैम अभी घर पे जा रहा है, टाइम नहीं है, स्कूल छूट गया है। मैम स्कूल बस होती है तो वो जल्दी जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको लेक्चर ज्वाइन करेंगे। जानकारी हुआ आपको? तो आई थिंक इफ दे हैव अ स्कूल बस टू कैच थिंग्स आई सपोज। यस यस। ओके, तो छुट्टियां करने से पहले हम लोग पहले क्या दोनों हम लोग एक प्रणाम करके शुरू करते हैं। अभी प्रणाम करके खत्म करेंगे, बस प्रणाम तक आप रहो। ठीक है, थैंक यू। होपफुली कि आपको आइडिया अच्छा से हुआ है, तो आई विल फिनिश।
हेलो मैम, जस्ट 2 मिनट्स. ओके. आप लोग का अच्छा लगा? हाँ, आप डांस करते हैं क्या? यस यस. क्या डांस करते हैं आप? हाँ, मैंने तो कहा जो भी डांस, डांस तो हम लोग सब करते हैं. कोई डांस का कोई बैरियर्स नहीं होता है. अच्छा से मजा से डांस करो. ओके. आई थिंक यू आर ऑडिबल. नो. नो, नॉट ऑडिबल. No. Okay, I would like to thank ma'am Priyadarshini ji. It was a really wonderful session. Thank you so much. And also this Renuka ma'am from the school for helping us coordinate with the students and getting us all together. And also special thanks to the students of Pune schools, Sundarbai Marathi School and Camp Education Trust. Thank you so much. Thank you. Thank you. I will leave. I can leave. Yes, yes. Bye. Bye.